हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोगों को? आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप अपने कामों में व्यस्त होंगे, आप अपने कामों में व्यस्त होंगे और मैं यहाँ पे अपने कामों में व्यस्त हूँ। तो मैं क्या बना रही हूँ वो मैं बताती हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे प्रसाद बनाने की तैयारी कर रखी है। तो यहाँ पर मैंने मिट्टी की हांडी में खीर बनी रख दी है, और मिट्टी की हांडी में ना खीर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। और साथ में पतीले में दूध गर्म करना रख दिया है, और यहाँ पर मैं हलवा बना रही हूँ। तो हलवे में मैंने सूजी ली है और थोड़ा सा बेसन लिया है, और मलाई डाल के उसको धीमी आंच पे मैं भून रही हूँ। और यहाँ पर जो दूध गर्म करना रखा हुआ है उसमें सौंफ और इलायची दरदरी कूट के मैं डब्बी में रख लेती हूँ, तो वो डाल दी है। तो ये दूध किस में जाएगा वो आगे मैं आप लोगों को बताऊँगी किस में जाएगा। और ये जो प्रसाद है ना, बन के बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था, बहुत ही ज़्यादा मतलब इतनी खुशबू आ रही थी, पूरे घर में इसकी खुशबू फैल गई थी। तो खीर में यहाँ पर डाल दिया है मैंने केसर, और यहाँ पर ड्राई फ्रूट भी आप लोग डाल सकते हो शैलो फ्राई करके, तो आपकी अपनी चॉइस है। चलिए अब ये जो सूजी है ये भी भुन चुकी है, और अब इसमें बारी आती है दूध डालने की। तो जो इलायची और सौंफ का दूध जो उबाल रखा है उसी दूध में मैं इसको प्रसाद को बनाऊँ यानी हलवे को बना रही हूँ। तो यहाँ पर जो ये गाय का दूध है और फुल फैट ये दूध है, तो दूध में ये हलवा ना बहुत टेस्टी बनता है। और इसमें अब तक मैंने घी का यूज़ नहीं किया है, आगे चल के मैं बताऊंगी घी आप ना कब डालना है और कितना डालना है। तो बस यहाँ पे दूध डाल के और अच्छा सा इसको मिक्स कर देंगे, और उसके बाद आपने यहाँ पे मीठे का जो है इस्तेमाल करना है। मीठे में आप कुछ भी ले सकते हो, मैं यहाँ पे ऑर्गेनिक खंड का यूज़ कर रही हूँ। आप गुड़ का भी यूज़ कर सकते हो, गुड़ पाउडर का यूज़ कर सकते हो, आप चीनी का भी यूज़ कर सकते हो, जो आपके पास अवेलेबल है आप वो डाल के और इसको मीठा कर सकते हो हलवे को। अब मीठा डालने के बाद इसको अच्छे से हमने मिक्स करना है, और अब जाएगा जब ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा ना तो जाएगा एक चम्मच घी। बस इस हलवे में सिर्फ एक चम्मच घी से ही ये हलवा बनेगा, तो इसमें एक ही चम्मच जाएगी। और अब इसको इतना पकाना है ताकि ये कढ़ाई से घी है वो रिलीज़ कर दे। चलिए अब वो प्रसाद तो बन के रेडी हो गया था, तो अब ये थोड़ा सा दोपहर से का टाइम है। बाकी बारिश तो रिम जिम सी आई रही है, लेकिन ना प्लांट्स में सफिशेंट नहीं है वो बारिश। तो अब जिस में है ना पानी कम है तो उसमें मैं पानी देने का काम कर रही हूँ। और जब रिम जिम सी बारिश आती है ना तो ये छत पर ना बहुत ही गंद हो जाता है, तो उसको धोने का भी मैं काम करूँगी। तो सभी पौधों में तो पानी नहीं डालूंगी, लेकिन जिसमें रिक्वायरमेंट है सिर्फ उनमें मैं डालूंगी। कुछ पौधे तो इतने ऐसे हैं कि सवेरे जैसे बारिश होगी तो अगले दिन सवेरे तक उसमें वो पानी सफिशिएंट नहीं रहता है, तो उनमें डालने पड़ता है पानी। तो नहीं तो वो ऐसे ना मुँह लटका के खड़े हो जाते हैं। तो फिर मैं बस वही काम कर रही हूँ, और एक यहाँ पर जो ये प्लांटर था इसमें पानी इकट्ठा होके और बिल्कुल काई जैसा लग गया, तो इसको मैं उतार के नीचे रख दूँगी, और जो नीचे प्लांट था उसको मैंने ऊपर ट्रांसफ़र कर दिया है। तो आज 1.5 से 2 घंटे मेरे प्लांट्स में लग गए थे, तो बस मैं यहाँ पर वही काम कर रही हूँ। और जितना भी यहाँ पर जितना गंद खिंड गया था ना तो वो मैं सारा साफ़ करने का काम कर रही हूँ। तो चलिए आप लोगों को प्रसाद के दर्शन करवा देती हूँ। टेस्ट तो नहीं करवा सकती, ओब्वियसली वीडियो में टेस्ट तो नहीं कर सकते, आंखों से टेस्ट कर सकते हो। बहुत ही बढ़िया बन के तैयार हुई थी, और ये जो हलवा बनाया था उसी की बर्फी मैंने बनाई है। तो इसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, खीर की भी और ये सूजी की बर्फियों की भी। तो चलिए प्रसाद बन के तैयार हो गया था, भोग भी लगा दिया था और हमने प्रसाद पा भी लिया था। चलिए अब थोड़ा सा टाइम फ्री सा था और खाना वाना सारा हो गया था, तो बेसिकली प्रसाद पाया था आज हमने। तो अब यहाँ पे बहुत सारे कपड़े हो गए थे प्रेस करने के, तो मैंने सोचा कि आज, वैसे तो स्टोर में प्रेस करते हैं लेकिन यहाँ पे मैं टीवी देखते देखते और मैं प्रेस कर रही हूँ। तेलन साहब अपना अंदर अपने लैपटॉप पे अपना काम करें, ऑफिस का कोई काम है तो वो वहाँ लगे हुए हैं। तो फिर मैंने सोचा कि टीवी देखते देखते मैं प्रेस भी कर लेती हूँ और टीवी भी देख लूँगी। तो बस यहाँ पर जैसे मेरे पास कई सारे कपड़े हो जाते हैं ना, मतलब एक एक सूट में प्रेस करके नहीं रखती हूँ, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिसिटी ना बहुत यूज़ होती है। अब एक बार में ही प्रेस गर्म होगी तो मैं सारे कपड़ों पर फटाफट प्रेस मार लूँगी। और वैसे भी जैसे हाथ से ही धोती हूँ मैं, मशीन में कपड़े नहीं धोती हूँ, ज़्यादातर मैं हाथ से ही धोती हूँ। अपने सूट तो मैं सारे ही हाथ से ही धोती हूँ, तो जब मैं उतारती हूँ ना बाहर से तो अंदर जब मैं कपड़ों को उतार के लेके आती हूँ तो उनकी ऐसे तय करके रख देती हूँ, तो मोटी मोटी प्रेस मारी और सफिशेंट है उसके लिए। तो बस यहाँ पर मैं वही काम कर रही हूँ,
तो कई सारे सूट हो गए थे तो इसलिए। और देखो ये जब मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ ना, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि दो सूट और रह गए थे तो पहले मुझे ध्यान नहीं आया उनकी, तय करके मैंने कहीं और दूसरी अलमारी में रख दिए, तो उनका ध्यान ही नहीं आया बेसिकली। तो चलो कोई बात ना, हर रोज़ एक सूट निकलता है, तो फिर कभी किसी दिन इकट्ठे ही प्रेस करूँगी। तो यहाँ पे बस मेरा वही काम चल रहा है, और अब यहाँ पे प्रेस होगी है ख़त्म, तो चादर की तय करके रख दूँगी, और जितने सूट मैंने फोल्ड करके रखे हैं उनको मैं हैंगर में लगा दूँगी। तो और जब भी, जैसे मेरा ये नहीं है कि मैं अभी नहाने जा रही हूँ तो अभी मैं सूट प्रेस कर कर फिर मैं तभी पहनूंगी, मेरे को ऐसे, मेरे से ऐसे होता नहीं है। तो भागा दौड़ी हाई तोबा मेरे से होती नहीं है। तो अब यहाँ पे किसी के ना लगातार मैसेज आए हुए थे, तो मैं बस वही देख रही हूँ। तो अब ये सारे सूट मैं अंदर हैंगर में लगा दूंगी, जब मुझे ज़रूरत होगी तो हैंगर निकाला और सूट निकाला और अपना पहन लिया। चलिए अब ये जो टाइम है ये 5-6 के आसपास का टाइम है, तो यहाँ ग्रोसरी का सामान लेके आए थे हम कल, मतलब एक दिन पहले। तो अब वो क्योंकि लेट हो गए थे ग्रोसरी का सामान लेके आए थे, और सामान लेकर कहीं और भी गए थे हम, तो इसलिए आज अभी मैं ग्रोसरी का जितना सामान है वो पहले बिल चेक कर रही हूँ कितने का कौन सा सामान है। तो एक बार बिल चेक करना बहुत ज़रूरी है, कई बार जो शॉप वाले हैं उनसे भी गलती हो जाती है और हमारे से भी गलती हो जाती है। तो एक बार ऐसे ही हुआ था कि 1500-1600 की चंटी लगते लगते बच गई थी, तो वो मैंने बिल चेक कर लिया, तो उन्होंने ना भूल में किसी और का बिल हमारे में ऐड कर दिया था। तो फिर उनके पास कॉल की, तो उन्होंने चेक किया, तो फिर बोले ठीक है हम रिफ़ंड कर देते हैं, तो फिर उन्होंने रिफ़ंड कर दिया। उसके बाद वैसे भी मेरी नॉर्मली आदत है कि भाई बिल को चेक करके और सामान चेक करके तब मैं डालती हूँ। तो चलिए अब जिस डब्बे में जो चीज़ें ख़त्म हो रखी थी वो उसमें फुलफ़िल करूँगी, और जैसे स्पाइसेस वगैरह हैं, जैसे जीरा है, धनिया है, वो चीज़ें मैं उसमें डब्बों में डाल के रख दूँगी। तो यहाँ मेरे किचन का यही काम चल रहा है। तो अब बारी आती है जो धनिया लेके आई थी, और उसको पीसूँगी, सॉफ्ट पीसने का काम है, और साबुत धनिया में उसी में थोड़ा सा गर्म मसाला करके और डाल के, जो इलायची है, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी है, और ये सारी चीज़ें, जैसे गर्म मसाले का मोटा जो साबुत जो मसाला होता है ना वही डाल के, मान ले एक कटोरी धनिया डाला साबुत, और 4 चम्मच मैंने उसमें गर्म मसाला साबुत वाला डाल दिया, तो इकट्ठे पीस लेती हूँ। और एक बोतल में आधी बोतल करके और साबुत वाला जो धनिया है वो डाल के रख देती हूँ। कई सब्जियों में ना साबुत धनिया भी जाता है, तो इसलिए मैं दोनों ही ऑप्शन रखती हूँ। तो फिर अब इसकी ये बारी धनिया की बारी होगी है, तो फिर मैंने सोचा कि यहाँ पर मैं कल जो है, यानी एक दिन पहले मैंने लाल मिर्च भिगो के रखी थी, तो हम कहीं गए हुए थे तो वहाँ से लेट आए थे, तो आज वो मिर्चें भी रखी हुई हैं, तो उनका काम भी मैं आज करूँगी। तो उसकी चटनी बना के बेसिकली मैं रख दूँगी, काफ़ी सारी मिर्चें हैं। मैं वैसे तो सिलबट्टे पे बनाती हूँ, लेकिन आज बहुत सारी का बहुत सारा काम हो गया था और बहुत लेट हो गए थे, तो इसलिए मैं मिक्सी में चटनी बना के एक पूरी डब्बी भर के रखूँगी। तो आगे जैसे कई बार सब्जी खाने का मन नहीं होता ना, तो हम लस्सी ली या दही ली और चटनी ले ली, और कई बार मैं उसके परांठे भी बना लेती हूँ। कई बार सूखे जैसे आलू जीरा डाल के आलू की सब्ज़ी बनाते हैं ना, तो 2 चम्मच ये चटनी डाल देती हूँ बस, और कुछ नहीं डालना क्योंकि ये खट्टी होती है चटनी। तो यहाँ पे बस मेरा वही काम चल रहा है, और जिसमें नमकीन ख़त्म होगी तो उसमें नमकीन डाली थी, जिसमें खांड ख़त्म होगी तो उसमें खांड डाली थी। तो महीने में एक ही बार मैं ग्रोसरी का सामान लेके आती हूँ, और या तो उसी दिन या अगले दिन बिल चेक करके, सामान चेक करके, और जिस डब्बे में जो चीज़ डालनी होती है डब्बा साफ़ किया और देन फुलफिल कर दिया। तो यहाँ पे बस अभी ये चटनी बनाने का भी काम मेरा हो जाएगा। तो किचन वैसे तो जैसे जिस दिन ये चीज़ें करनी होती है ना, किचन मेरी पूरी फैल जाती है, पर मैं साथ साथ क्योंकि फुर्सत में ही करती हूँ, जो मेरा और बाकी का काम ख़त्म हो जाता है ना, तो ये जो किचन का काम है, ग्रोसरी का जो काम है, वो मैं फुर्सत में करती हूँ। तो यहाँ पर मेरा वही काम चल रहा है। तो अब ये जो चटनी बन के तैयार होगी ना, ये ना सच में इतनी मस्त वाली चटनी बनती है, लहसुन और साबुत धनिया, जीरा, नमक और लाल मिर्च डाल के और दही डाल के, तब मैं ये बनाती हूँ। तो अब ये देखो कितना मस्त कलर आया हुआ है ना, तो उसको इसको रख दिया है फ्रिज में, और थोड़ी सी चटनी मैंने जार में छोड़ दी है, तो वो अभी शाम को अगर रोटी खाएंगे तो वो यूज़ हो जाएगी, नहीं तो सवेरे हम लेंगे। तो ये काम हो गया है, साथ साथ मैंने लगा रखी है चक्की,
तो चक्की आज आटा थोड़ा सा बस 2 ही दिन का आटा रह गया था तो इसलिए चक्की लगा रखी है। और यहाँ पे मैं आज गेहूं गेहूं का यूज़ कर रही हूँ, बाकी और जो चीज़ें हैं वो मैंने पहले पीस के रख ली थी। तो साथ साथ मैं अभी यहाँ पे आ गई हूँ, थोड़ा सा मैं आटा भिगो रही हूँ। तो चटनी बना दी, तो चटनी बनाने के बाद थोड़ी सी भूख भी लगी थी, तो अब यहाँ पे रोटी बनाने का काम चल रहा है, यानी आटा भिगोने का काम चल रहा है, फिर मैं खाना बनाऊँगी। तो चलिए फिर इसी के साथ अब इस ब्लॉग का मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। तो मिलती हूँ एक और नए दिन में एक और नए कंटेंट के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ढेर सारा ख्याल रखना है और खुश रहना, मस्त रहना, स्वस्थ रहना, सेफ रहना है। चिल्ड्रेन टेक केयर, बाय बाय। और ये जो हलवा है ये ज़रूर बना के देखना, चटनी ज़रूर बना के देखना। बाय बाय।